वेलकम ऑल यूट्यूब फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप सबको पता है कुर्बानियां ले ली हैं, बकरे बकरे ले लिए हैं, कहो शाओ ये वो साड़ी जुबान जितने समय मज्जा मुझा आई हैं। तो जी स्टार्ट करते हैं 2024 की बकरा मंडी की सबसे ज्यादा फनी कॉम्प्लिकेशन। आपको पता है भाई, हमारा तो काम है रिएक्शन करना, ठीक है ना? रिएक्शन करें, फनी बनाओ यार, मजा कैसे आ सकता है फनी के? कॉमेडी के बगैर तो जिंदगी साला चल ही नहीं सकती। और बाकी बात यह है कि आप सब हमारे दोस्त हैं, ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स होते हैं फेसबुक पे, है ना? लेकिन हम ये सिलसिला इंशाल्लाह यूट्यूब पे शुरू करेंगे और इसको बहुत आगे तक लेके जाएंगे, इंशाल्लाह मिलियंस में लेके जाएंगे। और मैंने देखा है आप सबका प्यार, आप सबने मुझे ऐसे ही सपोर्ट किया है कि आपने मेरे 2000 जो है सब्सक्राइबर करवा दिए, 2000 फ्रेंड्स करवा दिए हैं। यार ऐसी बात नहीं कि हम सब्सक्राइबर्स या आर्मी या हमने सरिया निकाल देना है यूट्यूबर्स के इसके गर्दन में से, ठीक है ना? हमने फ्रेंड्स बन के रहना है। तो ऐसे ही कमेंट करते रहे और स्टार्ट करते हैं यार बकरा बकरे को, चले देखते हैं। लो जी ये वीडियो है फन विद बादशाह 2.0 की, तो स्टार्ट करते हैं। यार ये तो किसी तमिलनाडु फिल्म का हीरो लग रहा है। कदम से आ गए बकरे में पट्टे लैंड गए थे नितिन। हेलो तो भैया, मैं सबके वेलकम है, हो गया सबका हमारे चैनल फन विद बादशाह पे। दोस्तों यार फ्रिज अनु डाकी शाकी मान लो भाई बड़ी ईद आ रही है, यह तो गल है। और वैसे यार आपस की बात है, बस दो चार दिन और है फिर सब पाकिस्तानियों को एडवांस ईद उल अजहा मुबारक कहने का दौरा पड़ जाएगा। ओ यार ये तो बात सही है, अजहा का महीना चढ़ गया, आप सबको ईद का चांद मुबारक। और मेरी तरफ से मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स को ईद उल अज़हा बकरा ईद मुबारक। हाँ भाई, अगर कोई बकरा बकरा करें या करे या कोई जो है गाय में करे तो मुझे गोश्त जरूर भेजे, मैंने अपनी फ्रिज साफ कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। और भाई दिल की गहराइयों से ईद उल अज़हा का इंतजार करें, फिलहाल सब्जी और दाल पर गुजारा करें। दोबारा दोस्तों मोस्ट फनी मोमेंट्स ऑफ कुर्बानी एनिमल्स की सीरीज के पार्ट नंबर 3 में भी हम आप लोगों के लिए कुर्बानी के जानवरों की कुछ ऐसी मजाइया वीडियोस लाए हैं जिन्हें देखने के बाद जरूर आप अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सोना जानवर यार, क्या जवान जानवर यार, कसमें लाड़ा ही लग रहे हैं। कुर्बानी कर दीजिएगा बहन देनी से। दोस्तों लेले पेपे लांडे में दोस्तों इस वीडियो को आप सबने जरूर से एंड तक देखना है, इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी। बाकी लाइक करने के बाद चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, वो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए यार इधर चेक करो, मेरे को कोई फर्क ही नहीं लग रहा है। इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी, बाकी लाइक अभी काली चिट्ठी की थी, अभी काली चिट्ठी की करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। बाबा जी की फेस चेक करो, अरे मजा आएगा ना। दोस्तों हमारी वीडियो की सबसे पहली क्लिप में जरा आप लोग देखेंगे कि बंदे जगह पर इस बेल को खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये बेल तो इसे ही खोलने के मूड में नहीं है। जरा आप लोग देखिए ये कैसे इसे ऊपर बिठाती है। अपनी सेहत चेक करे फिर दूजा काम करे, भाई सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और दोस्तों और आप लोग इस वीडियो में इस बकरे का खाना खाने का ये मीना ही लग रही है, सीधी साफ बात अगर सही लग कह रही है तो मटन जरूर का खाना खाने का ये फनी तरीका भी चेक धूमफोर आ गई है। दोस्तों काफी लोगों को देखा होगा जो की माइक वगैरह उठाकर मंडी पहुँच जाते हैं लोगों का इंटरव्यू करने के लिए। अब सर आप लोग ये वीडियो देखिए कि ये भाई साहब इस बंदे को ग्राहक समझ लेते हैं, लेकिन ये तो व्यापारी होता है, तो देखे फिर ये से क्या ही बेहतरीन वाला जवाब देता है। भजन ना, भजन कैसा लगा आपको मंडी आके? आप पहली दफा मेरा बाल खड़ा। अच्छा
सिग्मा बॉय है। और दोस्तों अगर आप लोग दिलों को थाम कर बैठी है क्योंकि अब हम आप लोगों को पूरे पाकिस्तान का सबसे वजनी और महंगा तरीन जानवर दिखाने जा रहे हैं। भाई जरा आप लोग ये वीडियो देखें। कराची के सुराब रोड मवेशी मंडी में 30 मंजिली शहनशाह खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गया। 18 लाख रुपए लग चुके हैं लेकिन मालिक शहनशाह हमारे पास कितने शानदार विचार रखते हैं जी। शहनशाह तो मैं कितना मुलाजम ही नहीं लगन दिया यार, उसे कुछ खिलाया नहीं गया। और अब सर आप लोग इस रॉक स्टार बकरे को भी देखें कि जिसे इस बंदे ने चश्मा और केप वगैरह पहनाकर फुल बबू बच्चा नहीं भूमिया का अब्बा लग रहा है, वो बच्चा बना दिया है। जरूर पहन दो भाई। और दोस्तों शदीद गर्मी में सिर्फ इंसानों को ही गर्मी नहीं लगती बल्कि इन जानवरों को भी लगती है। अब जरा आप लोग ये फनी वीडियो भी देखें कि जिसमें ये जानवर क्या फील कर रहा है। बड़े गाय सुन रहे हैं, बड़े खान का है, हाँ है, बड़ी है ना पैर, आहो भी है ओ भावे कभी आप ना नहाती होए तो इन्हें नुआन भाई होनी गर्मी लगन रही है। और ये जनाब इस जगह पर इस बेर को काबू करने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन सर आप लोग देखें कि बल्लू साहब इस जेल से फरार हो ही जाते हैं। और अब सर आप लोग इस बंदे को देखें जो कि इस बेल को हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है लेकिन इस बेल ने तो उसे सही वाला डराया हुआ है। और दोस्तों इस जगह पर सर आप लोग इन बकरों के ये लाइटों वाले सींग भी चेक कर रहे हैं। उन्होंने कोई इतने कुर्बान होना है की हरकत कर रहे यार। दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें सर आप लोग इस लड़के की बात भी सुने कि जब प्यार ही नहीं था तो क्यों मेरे सामने इस तरह से चलती थी। और दोस्तों हम सब लोग बर्गर वगैरह तो खाते ही हैं लेकिन अब सर आप लोग इन भाई साहब के काम चेक करें कि जिन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने बेल को भी बर्गर खिलाया जाए। तो देखें फिर ये बेल के लिए क्या ही VIP वाला बर्गर तैयार करते हैं। बैल भी बीला किया उनको मैं डोमिनोज लाइए तो सस्ता प्रेफर जरूर उनको आना। ले जी हमारी कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे खत्म होगी, अभी तो काफ़ी बाकी है लेकिन मैंने कहा यार अभी वीडियो थोड़ा छोटा ही रखें क्योंकि हमारी बातें भी तो बीच में चल रही है। सब्सक्राइब करो और मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अल्लाह हाफिज़।